अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन रोस्ट। ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाला है ताकि इसको हमें ज़्यादा देर रेस्ट भी ना करना पड़े। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप जल्दी में चिकन रोस्टेड बनाना चाहते हैं तो ये जल्दी में कैसे बन सकता है। तो इसके लिए हमने 1 किलो चिकन लिया, इसको हमने अच्छे से धोकर और इस पर हमने कट लगा लिए, क्योंकि कट से ये है कि ये जल्दी इसमें सारे मसाले मिल जाएंगे और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये चिकन को हमने अच्छे से धो लिया है, तो चलिए हम इसमें मसाले मिलाने शुरू करते हैं। तो इसमें पहले हम डालेंगे, सबसे पहले इसमें नमक 1 चम्मच, ये हमने 1 चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच से कम काली मिर्च पाउडर, ये देखिए 1 चम्मच से कम काली मिर्च पाउडर इसमें डालेंगे। तो फ्रेंड ये हमने प्याज और जो है हरी मिर्च और जो है प्याज हरी मिर्च अदरक लहसुन इन सब को हमने पीस के इसका पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो आप अलग से प्याज को पीस सकते हैं, हरी मिर्च को पीस सकते हैं और अदरक लहसुन को पीस के इसको अलग अलग भी डाल सकते हैं, पर हमने सबको एक साथ पीस के और इसको इसमें डाल देते हैं। ये सारे जो हमने पीसे इसको इसमें मिला देंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच विनेगर, और आप चाहे अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप जो है इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच हमने इसमें विनेगर डाल दिया। इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच से कम हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर लाने के लिए ये कश्मीरी लाल मिर्च हम इसमें डाल दी। इसमें कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे 3 चम्मच, क्योंकि कॉर्नफ्लोर से बहुत क्रिस्पी और बहुत ही बेहतरीन हमारा चिकन बनेगा। तो इसमें आप अपने चिकन के हिसाब से आप इसमें कॉर्नफ्लोर डालें। हमारा 1 किलो तो इसमें हमने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं। हाथ से ही मिक्स करिएगा ताकि सारे मसाले चिकन में अच्छे से मिल जाए। अगर आप इसमें यहाँ पर चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो चम्मच से आपके सारे मसाले चिकन में अच्छे से मिल नहीं पाएंगे। तो अपने हाथों से अच्छे से इसको पूरा मसाले जो है चिकन में मिला लीजिए। तो फ्रेंड ये है हमारे पास गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर, हमने बना लिया पाउडर का मोटा मोटा हमने इसको पीस लिया है। ये हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच से कम, इससे खुशबू और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें डालेंगे अपना दही। दही हमारे अपने घर का फ्रेश बना हुआ दही है, इसको आप पानी निकाल के दही डालें। अगर आप पानी के साथ डाल देंगे तो दही मतलब चिकन आपका थोड़ा पानी जैसा पानी छोड़ने लगेगा, इसलिए दही आप जो है उसको कपड़े में रख के उसका पानी निकाल लें, उसके बाद इसको डालें। अब हम इसको अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसको हमने इसमें डाल दिया, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच से कम चाट मसाला, इसको भी इसके साथ मिक्स कर देते हैं। तो इसको मैरिनेट करके हम चाहें तो, अगर आप चाहें आपको जल्दी है तो आप इसको बस 5 से 6 मिनट तक इसको ढक के रख दें, उसके बाद आप इसको फ्राई कर सकते हैं। पर हमें अभी कोई जल्दी नहीं, इस वजह से हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड इसमें हमने किचन किंग मसाला डाला है, अगर आपके पास चिकन मसाला हो वो आप डाल सकते हैं। हमारे पास इस टाइम मौजूद नहीं था तो हमने किचन किंग मसाला इसमें डाल दिया 1 चम्मच, उसको मिक्स करके अब हम इसको रख देते हैं फ्रिज में 1 घंटे के लिए। ये 2 हमने अंडे लेकर इसको अच्छे से फेंट लिया है और जो है, और ये हमने बेसन लिया, बेसन को हमें डालना है अपने चिकन में। ये हमने 1 से 2 चम्मच बड़े वाले जो चम्मच होते हैं उससे ले लिया है, तो हम इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड ऑयल हमने गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। ये हमने ब्रेड क्रम्स और पापे यानी टोस्ट जो होते हैं उनको दोनों को हमने ग्राइंडर में चला के मोटा मोटा इसको पीस लिया है। तो देखिए फ्रेंड ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब हमने चिकन का पीस लिया है, उसको हमने इस तरह से अंडे में डिप किया और ये ब्रेड क्रम्स है इसको हमने इस तरह से इसमें चारों तरफ लगा लेना है, उसके बाद आप इसको ऑयल में डाल दीजिए। तो इसी तरह से हमको अंडे में डिप करना है और उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स या टोस्ट क्रम ले लीजिए, तो इस तरह से इसको डाल देना। तो हम सारे इसी तरह डाल लेते हैं।
तो फ्रेंड हमने चिकन को डाल दिया। अब हम इसको एक बार हल्के हाथों से इसको चला देंगे और इसको आप गैस की फ्लेम को लो करके ही तलें, तभी ये क्रिस्पी होंगे। वरना अगर आप लो मीडियम टू हाई कर देंगे तो ये जल तो जाएंगे, मतलब बाहर से तो पक जाएंगे पर अंदर से पकने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और जल जाएंगे मगर पक नहीं पाएंगे। तो इसलिए गैस को आप मीडियम कर दो, उसके बाद इसको पकाएं। तो चलिए पहले हम इसको पक जाने देते हैं, फिर हम इसको पलटेंगे। तो फ्रेंड चिकन को हमने दोबारा डाल दिया और अब आप देख सकते हैं इस पर कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है, ये देखिए। तो अब हम इसको हल्के से बस फ्राई कर लें, उसके बाद हम इसको निकाल लें। तो फ्रेंड देखिए चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन रोस्टेड बनकर कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गया। आप इस तरह से बनाइएगा और बना के इसको आप चाहें तो मैरिनेट करके 1 से 2 घंटे के लिए रख दें। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको 5 से 6 मिनट या 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दें, उसके बाद आप इसको इस तरह से तलें तो ये जो है बहुत अच्छा चिकन बनेगा। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू डाल दें, अगर आपके पास विनेगर है तो आप विनेगर डालें। इनसे बहुत ही जल्दी गोश्त जो है यानी चिकन हमारा टेंडर हो जाता है। उससे आप इसको फ्राई करेंगे तो ये आपका चिकन एक एक पीस इसके अलग अलग होने लगे और क्रिस्पी। अभी देखिए हम आपको दिखाते हैं कितना क्रिस्पी हमारा चिकन। तो ये देखिए कैसे कड़कड़ की आवाज आ रही है, बहुत ही क्रिस्पी हमारा चिकन बना है, बहुत ही बेहतरीन। आप भी बनाइए इस तरह से चिकन रोस्टेड और जो है बना के खाइए। उसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप हमारे आपका चिकन जो है चिकन रोस्टेड किस तरह से बना, चिकन रोस्टेड कह सकते हैं, चिकन फ्राई कर सकते हैं। और अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो हम आपके साथ उसको शेयर कर देंगे। ये चटनी की रेसिपी हम आपको मतलब हमने इसी हिसाब से बनाई है ताकि ये चिकन के साथ बहुत ही बेहतरीन लगेगी। तो चलिए यहीं पर हम अपनी इस रेसिपी को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज, बाय बाय। और आप जरूर बनाइएगा, बना के खाइएगा।